अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। तो उज़्मा फ़ोन का आवाज़ बंद कर सबसे पहले। तो उज़्मा अभी आई है स्कूल से, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप लोगों को तो पता है। आज कौन सा पेपर था उज़्मा? आर्ट्स का। तो बस ये स्कूल से आई है, थोड़ा खाई आज भी, अभी तो आराम कर सारे रही है। पेपर से अच्छा पेपर गया। हाँ, अब इसका सिर्फ एक ही पेपर बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए ना, सब अच्छे गए ना। यस हाँ, अभी एक सब्जेक्ट बाकी है, बाकी और कुछ नहीं। आज है जुम्मा, आज है अलविदा जुम्मा, तो अलविदा जुम्मा है और जुम्मा मुबारक आप सबको। तूने भी ब्लू पहनी और आजम ने भी ब्लू पहना। आजम को दिखाती, रुको देख, बस फर्क है ये दोनों ब्लू में। आजम सलाम करो, सलाम करो, नींद में से उठा, ये भी नींद में से उठा। लाइट और डार्क ब्लू का मिक्सिंग कलर है ये। हाँ, ये लाइट ब्लू है, ये कौन सा ब्लू है आजम, कौन सा ब्लू है बेटा ये? ब्लू लाइट ब्लू सलाम करो, सलाम सलाम करो, सलाम। ये ब्लू है, लाइट ब्लू। बहुत धूप है, बहुत धूप है, बहुत गर्मी है गाइस। जितनी गर्मी है उसी तरह से कड़कती कड़कती धूप आती है, जिस वजह से कैमरे में लाइटिंग बहुत अजीब सी दिखने लगी है। तो खैर, हम तो बैठे हैं बड़े आराम से, बहुत कुछ मतलब आज कुछ करना नहीं है, सब कुछ मैंने सोच के रखा है इफ्तारी में। आज किचन में घुस के अब ज़्यादा ज़्यादा टाइम में बिताने वाली हूँ नहीं, आज ज़्यादा कुछ शूट करना नहीं है किचन के अंदर, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ नॉर्मल सिंपल से कांदे के भजिए, बटाटे के भजिए। और कल तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, मैंने बनाई थी रशियन कबाब। तो रशियन कबाब है, फ्रीज़र में मैंने रखा था, उसको ही निकाल के फ्राई करूँगी। साथ ही साथ मैंने निकाल के रखा है झींगे, झींगे का बना दूंगी सालन। और चावल आज रोटी बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए अलग से मतलब कुछ ऐसा स्पेशल मुझे शूट करने के लिए जो ज़्यादा टाइम जाता है वो नहीं जाएगा आज, इंशाल्लाह बच जाऊँगी, क्योंकि रेसिपी बताते हैं ना तो शूट करने में टाइम जाता है। और ऊपर से बीजी का ये इन लोग की मस्ती है, इन लोग का रोना। गाइस, मैं आ गई हूँ किचन के अंदर, खेल रही थी मैं आजम के साथ, खेल रही थी, थोड़ा यूट्यूब का कमेंट वगैरह पढ़ रही थी। कमेंट का रिप्लाई नहीं किया था ना काफ़ी टाइम से, वैसे भी मैं सारे कमेंट का ऐसा डेली 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 आंसर नहीं करती हूँ, जब टाइम मिलता है तो बैठती हूँ एक साथ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से होता है उतना मैं हार्ट वगैरह देती हूँ, जो मुझे सब में सही कमेंट लगता है, अच्छा कमेंट लगता है। और हर किसी का एक एक करके जवाब देने का तो आपको भी पता है जवाब का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं भजिया बनाऊंगी आज, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे भजिया बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके भाईजान आ गए हैं घर पे और उन्होंने कुछ चीज़ें लेके आ गए इफ्तारी के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मलाई कांडी लेके आ गए, मलाई चिकन, और ये कुछ आइसक्रीम का सैंडविच जैसा कुछ लग रहा है, ब्रेड है ये पूरा, ब्रेड के अंदर शायद हो सकता है चिकन वगैरह डाल के बनाया होगा। भाई आजकल तो नाम भी प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है रेसिपीज़ के, क्योंकि डेली कुछ नया बन रहा है, डेली नए कुछ रेसिपी का नया नाम, तो मुझे तो इतने नाम नहीं मालूम बाबा, इसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अभी ये देखिए, ये उज़्मा को वसन आया था ना, उज़्मा खा रही है बोल के ये लेके आ गए। अच्छा, मुझे सिर्फ खाना बनाने आता है, जो टेस्टी लगे मैं वैसा खाना बना देती हूँ, बट नाम वगैरह में मैं नहीं जाती खाने की, आप लोगों को पता है, पहले से मैं बोलती हूँ 5-6 साल से कि खाना टेस्टी बना, बट वो कुछ नाम पता होते हैं तो पता होते हैं, जैसे रशियन कबाब, बट इसको क्या नाम दूँ मैं, क्या है ये, जो भी हो चलो ठीक है। आजकल लुक वाइज खाने को और खूबसूरत बनाया जा रहा है, अच्छा है, खाना जितना दिखने में खूबसूरत होता उतना ही खाने में मन होता है। ये क्या लेके आए, आलू चटपटा, मसाले वालू आलू लेकर आए, तो इतनी सारी वैरायटी माशाल्लाह से इन्होंने लेके आ गए, तो मुझे अब नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मुझे तो नहीं लगता कि रशियन कबाब भी बनाना पड़ेगा, तो दैट्स इट, इतना ही रहने देते हैं। जो डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, तो मैं चिकन झींगे को ना झींगा मसाला बना दूंगी, कल मैंने चिकन का मसाला बनाया था चिकन मसाला, तो चिकन मसाला भी थोड़ा है फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो भी यूज़ कर लेंगे, तो बस ये बना देंगे, चावल बना देंगे, दैट्स इट। मौका मिलेगा तो आज बाजार मार्केट चले जाएंगे, मार्केट बोले तो बच्चों के कपड़े के लिए। तो यहाँ डाल देंगे मिठाई, कड़ी पत्ता, उज़्मा जा रही है उसके अब्बा के साथ मस्क मेलन लेने, मस्क मेलन नहीं है ठीक है, और उसको डाल दूंगी बिना मसाला किसी का झींगा, बोलते नहीं कि कांदा टमाटर में, अब के कांदे टमाटर में मस्त बनाओ एकदम भून भून के, मज़ा आ जाता। गाड़ी उज़्मा बाहर बाहर, क्या हो गया? आई चाबी दो, ये ले। कौन सी चाबी है? ये दिमाग लगा, कौन सी बताओ जरा, गोल्डन वाली होगी वो घर की चाबी है? नहीं, जो हाथ में दिया था वही चाबी है। हाँ, देख कैसे न्यूट्रल में ना गाड़ी।
क्या गाड़ी के न्यूट्रल में है ना? हाँ। चल चालू कर, कैसे चालू करते? अच्छा बस तो एक्सीलेटर थे, एक्सीलेटर थे, एक्सीलेटर खाली बस। यहाँ देख हाँ सर, दांत दिखा के बोल क्या चाहिए? बस पहले ना छोटी बच्ची बिल्ली का खाना, मस्त मेलन दो, इतना तैयार देना। नहीं ये मस्त मेलन, ये खरबूजा है, तो एक और सब फ्रूट है, वो भी खरबूजा ही है लेकिन ये अलग टाइप है, इतना तैयार चाहिए। ये क्या वाला? ये वाला बताइए। एक 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 सिंगल, लेकिन तैयार चीज मीठा। हाँ समय पे जल्दी कोतमीर में हमको दस की कोतमीर तो बड़ा पड़ अंकल, दस की कोतमीर तो अंकल ही नहीं, किसको बोल रही भाई, कौन है इधर? दस की कोतमीर देना, ये कोतमीर है, ये पुदीना, ये पालक और ये है मेथी। अंकल कुछ बोल रहे थे, बोल आज बताओ। अंकल जल्दी आओ वरना उठाकर भाग जाएंगे। अच्छा अभी क्या पता अपने लेने का, वो दुकान जाना, मेडिकल जाना है बिल्लियाँ खा लेने के लिए। गाइस मेरा जो है ना फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ना इसको बघार दे दिया, ये पकने की कगार पे। अभी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिया, झींगा ऐड कर दिया, दो छोटे छोटे आलू को तो छोटा छोटा काट के ऐड कर दिया है, बस ये पक जाएगा। आपके भाईजान मस्त मेलन लेके आ चुके हैं, इसको काट दूंगी, कोतमीर की ज़रूरत थी कोतमीर मंगा लिया है, साथ में मंगाया लोग का खाना। अच्छा ये बिल्ली के खाने पे मुझे कुछ कहना है, मुझे एक कमेंट आ रहा है, कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा है कि बच्चे लोग को जेली फूड दो, तो उनको ऐसा लग रहा है मैं नहीं दे रही हूँ, जबकि मैं उन लोगों को जेली फूड कंटिन्यूसली दे रही हूँ सुबह शाम, दिन में दो टाइम, लेकिन दिन भर तो नहीं दे सकती मैं ये उन लोग को, तो दिन भर मैं उन लोग को दूध पे रख रही हूँ, दिन भर दूध पीते, सुबह और शाम में मैं उनको जेली फूड देती हूँ ये वाला, ठीक है? तो ऐसा है मैं ये वाला फूड उन लोग को दे ही रही हूँ, जब उन लोग की माँ थी ना तभी भी दे रही थी, तो जब अभी उन लोग की माँ नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा है उन लोग का पेट भरना है मुझे कैसे भी करके। छोटी वाली पहले ये नहीं खा रही थी, डिम्पो थी तभी, छोटी वाली नहीं खा रही थी जिसकी आंख में प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती थी, डिम्पो के जाने के बाद वो अभी दूध तो वो प्लेट में मुंह डाल के पीती भी नहीं थी, उसको मैं चमचे से पिला रही थी। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ड्रॉपर से पिलाओ, बॉटल से पिलाओ, बट वो लेती ही नहीं है, दांत को ऐसे बंद कर देती, कुछ भी लेती नहीं है मुंह में, चमचे से फिर भी मैं उसको पिला देती हूँ। अब वो चमचे से दो दिन से अच्छे से पी रही थी, अब तो वो खुद से दूध पीने की कोशिश करती है, खुद से खाना खाने की कोशिश करती है, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। कल भी उसने पेट भर के अपने आप से खाना खाया रात में, तो अभी मैं ये चीज है ना, इंसान मैं एफर्ट डाल रही हूँ करके तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। अब उनकी जान और मौत मेरे हाथ में नहीं है, मेरे से जितना होएगा मैं उतना कर सकती हूँ ना, तो ऐसा। चलिए ये है देखो बिल्ली का खाना, ठीक है, इसमें मैं और थोड़ा सी पानी डाल के इसमें ऐड कर दूंगी, पी लेते हैं लोग, पानी भी पी लेते हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा फास्ट बहुत चला गया ये बुटकी, दूध पीने में इतनी फास्ट नहीं है, दूध को अगर इतना फास्ट पिए तो कितने जल्दी पेट भरेगा इसका, दूध को चाटती भी नहीं है, जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, पहले पानी पी लेंगे लोग, और जब ये मोटी वाली उसको पूरा जेली ऊपर का खा जाएगी ना, तब उसको इजी होता है अंदर का खाने का, सुखड़ी वाली को, ये देखो थोड़ी, तो ऐसा मेरे को बहुत खुशी हो रही है वो जब खुद से खा रही है, देख रहे बाबू तुम बोले वो नहीं खा रही, देखो दिखा दिखा, ये खुशी है मुझे कि वो खुद से खा रही है। पी रही थी क्या? खुद से खा रही है, मैंने पहली बार देखा इसको के खुद से खा रही है, तो मैं तो कल से देख रही हूँ खुद से खाती है, बस खाली उसको जेली फूड चाहिए, वो बोलती है कि मेरे को दूध दो ही मत। हाँ अभी उसको दिन भर थोड़ी ना मैं जेली फूड दे सकती हूँ, उसको दूध पीना ही नहीं है, वो दूध को दूध की प्लेट को मुंह भी नहीं लगाती है। अरे दिन में दो टाइम इंसान ऑफर कर सकता है, मैं दिन में दो टाइम उन लोग को दे रही हूँ तो बाकी का बचा हुआ ये खा जा रही है, चलने ही नहीं दे रही हो जरा थोड़ा सी भी, अब ये बच्चा हटेंगे ना तो ये खा लेगी पूरा।
तो दिन में 100 रुपए का तो इन लोग के लिए खाना ला ही रही हूँ। अब करना उसको परेशान, क्यों उसको परेशान करती हूँ? आजम अप्पी को मारू, छोड़ दे उसको, बैठ मैं बैठो, ऐसे सीधे बैठो, सीधे बैठो, चलो मैं बैठ। क्या हुआ, क्या चेक कर रहे? तो फिर चेंज कर लो उसमें से। आजम क्या देख रहा, माँ आजम क्या देख रहा है, क्या देख आजम, ये एक फोटो खींचा मैंने, चलो बैठो नहीं। और काम करो बोल रही हूँ, इसके लिए मैंने उसके लिए पहले ही कम बनाया था, ठीक है चलो। अरे बाप ले, अजू आई शाले, आई आता नीचे, आता मस्का मार रहा, आता 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 नीचे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं कुछ नहीं करने देता है, परेशान करता है। चलो गाइस मिलते बाद में, तो जूस में डालता है। हाँ दस्तरखान खींच के जूस गिरा देता है। गाइस देखो आजम क्या खा रहा है, आजम की लाइफ की पहली लॉलीपॉप, और उज्मा से छीना है। एक्चुअली आजम की नहीं है ये, उज्मा की लॉलीपॉप है, उज्मा खा रही थी, छीना नहीं है इससे, इसने चटाई तो उसने ये लिया, और लिया तो ये दे भी नहीं रहा है, और उसके नजदीक तो कोई भी जा रहा है तो वो भाग जा रहा है। दे माँ, दे आजम दे, अब पी तू ले, मेरे को तो दे रहा, तेरे को देता के दे, नहीं दे रहा। गई तू, गई तू, गई छोड़ रहे, छोड़ रहे, छोड़, लड़ाई झगड़ा, क्या लड़ाई झगड़ा, वो बोतल हटाओ जरा, आजम मेरे पास नहीं आने का, उधर इधर 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 इधर, क्या ले ले ले, गलत गलत गलत, ए रुक रुक रुक, पहले उसको सही करके खान दे ना, गुस्सा कर रहा हो, दिख रहा देखो, तू ले तू ले तू ले तू ले, उसको बोलना आता ना उसमें, अभी मस्त कुछ बोलता था, देखो दे दे रे कितने जोर का चीनी रे तूने उसमें, तू तो गुड, कैसे लगा आजम? मुझे भी खाना है। देखो दूसरी लाके दे देंगे, तुझे दूसरी लाके दे देंगे, कैसा है माँ आजम? तो ये है आजम की पहली लॉलीपॉप। आजम क्या खा रहा है? अजू 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 कितना खुश है वो, देखो ना, और साथ में डर भी है कि उज्मा छीन ना ले। मत ना उज्मा, एंजॉय करने देना यार, एंजॉय भी नहीं करने देते तुम लोग, कैसे बेकार लोगे। हेलो हेलो गया गया गया। तो ये सालन तो मैंने बंद कर दिया था गैस, और उसको बंद करके 2 घंटा हो गया। सो बंद के 2 घंटा हो गया, मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं उठी हूँ सो के, जी हाँ सो के उठी, ज्यादा नहीं सोई लेकिन जितना भी सोई अलहमदिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली 8:30 बजे मैं चली गई थी बेडरूम में एडिटिंग करने, बच्चे अपना बाहर हॉल में खेल रहे थे, एडिटिंग करते करते इतनी थकावट हो रही थी कि आँख ही खुल नहीं रही थी, तो मैंने आधी एडिटिंग की और उसके बाद सो के उठी 1/2 घंटा। अभी बज रहे 9:45, और बच्चे एक्चुअली बाहर जाने का बोली थी लेकिन लेके 9:45-10 बज गया, तो बाहर नहीं जा सकती, कहीं दूर कुछ शॉपिंग मार्केट वगैरह, तो जा रहे अम्मी के घर पे। तो ऐसे जा रिमोट दे मुझे जल्दी से, जल्दी पकड़ पकड़ उसको, पकड़ 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 रहे, जल्दी पकड़ उसको, भागा अज्जू, चलो कौन चलेगा, अज्जू बंद कर दे बेटा, चल निकलते, चल शॉपिंग चल रही ना उसमें, नानी के घर
ये लड़की को बोली शॉपिंग चल, तो बोलती नहीं मैं नींद में हूँ, मुझे थकावट हो रही, मैं नहीं जा रही। जैसी बोली नानी के तो जाने का तो बड़ा इसको होश आ गए। मुझे नानी के उधर छोड़ना, फिर शॉपिंग करना, मुझे लेते हुए घर पे। कोई नहीं, ठेंगा ठेंगा टंगड़े रेंगे टंगे 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 कर गुदगुली मुझे यार, टंगे टंगे करके बता चल रही है। बोल के टंगड़े रेंगे क्या बोल, टंगे 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 आई बड़ी इतना ऊंचा। चल आदम से करवा टंगे टंगे। ए मुझे गुदगुली नहीं करना, लगभग जाएगा मेरा हाथ खुद को बचाने के चक्कर में। उसमें फिर रोती तू, नहीं 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 नहीं, 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 नहीं प्लीज आओ।